अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुहूस किचन कुकिंग विद लव। आज हम बनाने वाले हैं एक वेज डिश गवारी के सेम की, जिसे हम अनएजुकेटेड बींस बोलते हैं मजाक के तौर पे, और जिसे हम महाराष्ट्र में कहते हैं गवारी ची रस्सा ची भाजी। तो हम बनाने वाले हैं गवार की सब्जी, वो भी ग्रेवी वाली, जो कि बहुत यम्मी बनती है। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो गवार की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने लिया है 1.25 किलो गवार। इसको मैंने अच्छे से धोकर साफ़ करके इसके पीसेस कर लिए हैं। और यहाँ पर पैन में मैंने लिया है 2 टेबलस्पून तेल। तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे ये गवार की सेंग और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे 4 से 5 मिनट तक। अब इसका लाइट ग्रीन कलर है, ये जब पक जाएगा तो इसका डार्क ग्रीन कलर हो जाएगा। हमें तब तक इसे फ्राई करना है और इसके ऊपर हल्के से पैचेस भी आ जाने चाहिए। मीनवाइल हम बनाएंगे इसका मसाला। तो उसके लिए मैंने लिया एक मिक्सर का जार। इसमें हम डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून भर के मूंगफली, ये रोस्टेड मूंगफली है, और जितना हमने मूंगफली लिया है उतना ही हम इसमें डालेंगे ग्रेटेड और रोस्टेड ड्राई कोकोनट यानी सूखा खोपरा। साथ में इसमें डालेंगे ज़रा सी हरा धनिया चॉप करके, 2 हरी मिर्च और 15 से 20 लहसुन की कलियाँ। अब इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका एक कोर्स पेस्ट बनाएंगे। ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं करना है, थोड़ा सा दरदरा ही रखना है। ये मसाले का पेस्ट मैंने बना लिया है, आप देख सकते हैं कि ज़्यादा फाइन नहीं है, थोड़ा सा मोटा मोटा ही है, हमें ये बिल्कुल ऐसे ही चाहिए। और यहाँ पर गवार भी अच्छे से फ्राई हो गई है, आप इसके ऊपर हल्के हल्के पैचेस भी देख सकते हैं। अब इसे हम निकाल कर साइड में रख देंगे। तो मेन सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने पैन में लिया है 3 बड़े चम्मच तेल, और तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, और जीरा तड़क जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज़ का प्याज फाइनली चॉप करके। और प्याज को अब हमें फ्राई करना होगा जब तक ये प्याज हल्का गुलाबी नहीं हो जाता या फिर सॉफ्ट नहीं हो जाता। अब हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता, और कड़ी पत्ते को भी 1/2 मिनट तक फ्राई करने के बाद इसमें हम डालेंगे तैयार किया हुआ मसाला, जिसमें हमने डाला था मूंगफली, सूखा खोपरा, हरा धनिया, हरी मिर्च और लहसुन। अब ये मसाले को हम तेल में अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाला नीचे न जल ना जाए इसलिए हम इसमें डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा पानी, अच्छे से मिक्स करेंगे। और जब मसाला पकना स्टार्ट हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे ज़रा सी हल्दी, 1.5 से 2 चम्मच भर के लाल मिर्च, मिर्ची आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे ढक कर तब तक पकाना है जब तक इन मसालों से तेल अलग नहीं हो जाता। 5 मिनट तक मसालों को पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि मसाला अच्छे से पक गया है, इससे तेल अलग हो गया है। इस पॉइंट पर इसमें हम डालेंगे हसबे जायका नमक, साथ में डालेंगे फ्राई की हुई गवार और मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे ऐसे ही मसाले पकने के लिए छोड़ देंगे 4 से 5 मिनट तक। उसके बाद में इसमें हम डालेंगे 1/2 से 1.25 ग्लास तक पानी, या फिर आपकी ग्रेवी के अकॉर्डिंग आप इसमें पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं, और इसे अच्छे से मिक्स करके ढक कर फिर से 5 मिनट तक पकाएंगे। गवार की सब्ज़ी को पकते हुए 5 मिनट हो गए फ्रेंड्स, और माशाल्लाह पककर तैयार हो गई है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मसाला भी परफेक्टली पक चुका है और गवार भी गल के सॉफ्ट हो गई है। तो अब फ्लेम को हम कर देते हैं बंद और गर्मा गर्म करते हैं सर्व। गवार की सब्ज़ी को आप जवारी की रोटी के साथ सर्व करें, बहुत टेस्टी लगती है, बिल्कुल नॉनवेज की जैसे लगती है, आप चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो आप भी हमारी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और फीडबैक दें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।